الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی سمپور و پرشنسائیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو احکم الحاکمین ہے رب العالمین ہے جو اس برہانڈ کا اور وشو کا رچیتا اور رچنا کار ہے جو اس جگت کا سوامی ہے جو علا کل شیء قدیر ہے جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا قرآن جیسی ایک عظیم کتاب ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی اور اسلام جیسا ایک سیدھا سنجیدہ اور سچا مذہب اس نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھول برسا اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم و بارک علیہ آج کا یہ پروگرام جو 21 مئی کی شب میں آپ کے یہاں منعقد ہوا ہے دراصل اس پروگرام کی بات بہت دنوں سے چل رہی تھی اور آپ کے اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت وہ راجیہ سبھا کے ممبر ہیں جناب سالم انصاری صاحب وہ دسمبر میں ہمارے اٹاوا گئے ہوئے تھے وہاں ایک نمائش لگتی ہے اٹاوا میں سالانہ میلہ اس میں پرشاسن کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے ہر آدمی کو اپنا کارکرم کرنے کا پروگرام کرنے کی پرمیشن دی جاتی ہے کچھ لوگ مشاعرہ کراتے ہیں کچھ لوگ کبھی سمیلن کراتے ہیں کچھ لوگ سنگیت کارکرم رکھتے ہیں
लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हमारे इटावा के और हमारे ही शाही जामा मस्जिद की एक मुअज्जज शख्सियत है, उनको भी जब उस कार्यक्रम में शामिल किया गया और ये कहा गया कि आप भी कोई कार्यक्रम करा सकते हैं, तो उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम कराया था जिसमें मजहबी रंग था। मैं उस वक्त इटावा में नहीं था, मैं दुबई गया हुआ था, इसलिए मैं उस कार्यक्रम में शरीक नहीं हो सका। मौलाना मुतीउर रहमान साहब चतुर्वेदी को बुलाया गया और उसी वक्त से बराबर ये बात चल रही थी। जब मैं बाहर से आया तो मुझे बताया गया कि ये प्रोग्राम मऊ में रखना चाहते हैं, फिर आनन फानन बात हुई। जावेद साहब को मैंने बताया कि 23 तारीख को मेरा प्रोग्राम मुबारकपुर में है और 22 तारीख को मेरा प्रोग्राम मऊ आयमा में इलाहाबाद में है, यानी कल। बीच में एक दिन मेरा पास खाली है 21 तारीख, और उससे पहले जो 20 तारीख है और 19 तारीख, मैंने कहा मेरा सनौली में गोरखपुर साइड में नेपाल के बॉर्डर पे मेरा प्रोग्राम है, तो एक दिन खाली है उसमें आप प्रोग्राम रख सकते हैं। तो ये 21 तारीख का प्रोग्राम तय हुआ। आज जनाब सालिम अंसारी साहब से फ़ोन पर बात भी हुई, उनको किसी खास मीटिंग में जाना था, वो पहुँचे, लेकिन कुछ इशारे उन्होंने मुझे किए थे इस प्रोग्राम के ताल्लुक से और मौजूदा हालात के ताल्लुक से, और वो आप लोग उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी है वो ये अनाउंसमेंट जब हुआ कि प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं और दूसरे लोग भी मौजूद हैं, तो उसी वक्त मैंने अपना एक जहन बनाया कि इस्लाम के बारे में जो गलत धारणाएं या विचारधाराएं या सोच जो लोगों के जहनों में बिठा दी गई हैं, उसको किसी हद तक साफ किया जाए। शायद मैं उसमें किस हद तक कामयाब होता हूं ये तो मेरी तकरीर के बाद ही, बाद में जब उसका रिजल्ट सामने आएगा तो पता चलेगा। असल में एक चीज है, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था कि किसी भी झूठ को अगर सच बनाना हो तो उसका इतना प्रोपेगेंडा करो, इतना प्रोपेगेंडा करो, इतना प्रोपेगेंडा करो कि वो झूठ अपने आप सच नजर आने लगे। ये अबुल कलाम आजाद ने लिखा था और आज इसका मुकम्मल तौर पर फायदा उठाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए। इस्लाम का जहां नाम आता है, जहां तारीफ होती है, जहां इस्लाम की कोई खूबी सामने आती है, तो उसको वो अपने पेपरों की हेडलाइन नहीं बनाते हैं और कहीं कोई स्कर्ट पहनकर खेल ले और कोई मुफ्ती साहब फतवा दे दे कि ये ड्रेस अच्छा नहीं है, तो फिर इतना मीडिया में छा जाता है कि इस्लाम में पाबंदी है, औरत को आजादी का हक नहीं है, औरत को घर की चार दीवारी में बंद करके रख दिया गया है। और यही प्रोपेगेंडा अमेरिका करता है, क्योंकि अमेरिका के तो सब पिट्ठू हैं, सब गुलाम हैं, उसके पास तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, फिर उसके चमचे भी चारों तरफ फैले हुए हैं, इसलिए वो अपने किसी भी झूठ को जब जाहिर करता है तो उसका इतना प्रोपेगेंडा करता है कि वो चीज बिल्कुल सही लगने लगती है, वो अपने इस मकसद में काम करता है। कुरान करीम ने जो बात कही है जरा उसको सुनिए, मैंने जो आयत पढ़ी थी आपके सामने वो क्या है, और उसको हमारे भाई जो दूसरे मजहब या धर्म से जिनका संबंध है, ताल्लुक है, वो उसको ये ना सोचें कि इस्लाम ने दूसरे मजहब की तौहीन की है।
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ رب العالمین نے فرمایا, قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس کا ترجمہ, جس کی میننگ, جس کا ٹرانسلیٹ یہ ہوا ہے کہ جو بھی اسلام کو چھوڑ کر, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا, کوئی دوسرا دین قبول کرے گا, کوئی دوسرا دین تسلیم کرے گا, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, تو وہ دین اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, وہ دھرم اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچیں کہ قرآن نے اپنی تعریف خود کی ہے یا مسلمانوں نے قرآن کریم کی اس آیت کو پیش کر کے اپنے منہ سے اپنے مذہب کی تعریف کر رہے ہیں, وہ یہ نہ سوچیں بلکہ وہ یہ غور کریں کہ اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا, آخر کیوں؟ اسلام کے اندر وہ کون سی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے, وہ کون سی وشیشتائیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو سب سے اچھا مذہب کہا ہے؟ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ, اللہ کی نظر میں, اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب جو ہے, سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کون سا اسلام, یہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی سوال کر سکتے ہیں, اسلام میں بھی تو بہت سے گروہ بندی ہیں, کون سا اسلام؟ آج ہمیں اسلام کو بھی سمجھانے کے لیے بڑی دقتیں سامنے آتی ہیں کہ ہم کون سا اسلام ان کو بتائیں کہ کون سا اسلام. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا. بس وہی دین اسلام جس سے اللہ راضی ہوا. اللہ کس سے راضی ہوا سب جانتے ہیں. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اس دین سے اللہ راضی ہوا ہے جو دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ ہستیاں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جن کا نام لے کر آج جن کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے اور دین سے جوڑا جاتا ہے. میرے بھائیوں صاف کہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, میں اس اسلام سے راضی ہوں جو آج مکمل ہوا ہے, میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں, اور اسی اسلام سے میں راضی ہوا ہوں جو ہستیاں پیدا نہیں ہوئی تھی جن کے نام آج لیے جاتے ہیں, اسلام ان کے بغیر مکمل ہو چکا ہے. یہ آیت صاف بتلا رہی ہے جن کے نام آج لیے جاتے ہیں اگر یہ ہستیاں پیدا نہیں بھی ہوتی تو اسلام کے اندر کوئی نقص نہیں تھا, اسلام اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود تھا, اور یہ ہستیاں اگر بعد میں پیدا ہو گئی تو اسلام میں کوئی چار چاند نہیں لگ گئے, کوئی اضافہ نہیں ہوا, اسلام وہی مانا جائے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا تھا, جو دین ہم کو دیا تھا. اور اس دین کو یہ کہہ کر اور زیادہ مؤکد کر دیا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے اندر کہ اے لوگو اللہ نے جو دعوت ہمیں دے کر بھیجی ہے وہ دعوت میں نے پوری کی یا نہیں کی, میں نے اپنے دین کو مکمل کیا یا نہیں کیا, میں نے اس حق سے سبکدوش ہوا ہوں یا نہیں, اللہ رب العالمین نے جو دعوت مجھے دے کر بھیجا تھا وہ دعوت کو میں نے پورا کیا یا نہیں کیا. سارے حاضرین نے, سارے مجمع نے, ساری اجتماعیت نے ایک زبان یہ کہا تھا قد ادیتا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس حق کو ادا کر دیا, آپ کو اللہ نے جو دعوت دے کر بھیجا تھا آپ نے اس دعوت کو مکمل کر دیا. اللہ کے نبی نے اپنی امت کے اس اقرار پر پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اللہ رب العالمین کی طرف نظر آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ ہو جا, میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ ہو جا, میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ ہو جا. یہ وہ اسلام ہے جو اصلی شکل میں جو موجود ہے وہ صرف قرآن کے اندر, وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے. اللہ اس اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا. اب اسلام کے اندر خصوصیات کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں, پہلے تو ایک اشارہ کر دوں کہ اسلام کو اللہ نے جن خصوصیات سے نوازا ان میں مشہور خصوصیات یہ ہیں کہ اسلام دین توحید ہے, اسلام دین رسالت بھی ہے, اسلام دین مساوات بھی ہے, اسلام دین عدل بھی ہے, اسلام دین تقویٰ بھی ہے,
इस्लाम दीन रूहानियत भी है, इस्लाम दीन सहल भी है, इस्लाम दीन रहमत भी है। एक एक मिसालें मैं सबकी दूंगा और फिर मैं कंपैरिजन करूंगा। मैं दूसरे मजहबी किताबों को सामने रखकर यह बताने की कोशिश करूंगा कि वो अपनी किताबों में देखें और फिर कुरान की स्टडी करें और कुरान का मुताला करें और फिर अंदाजा लगाएं कि इस्लाम को अल्लाह ने जो कहा है कि ये इसके अलावा कोई दूसरा दीन कोई दूसरा धर्म अख्तियार करेगा वो कबूल नहीं किया जाएगा। कुरान अपने इस दावे में किस हद तक सही है? इस्लाम दीन तौहीद, तौहीद का सबूत दुनिया में जितने भी मजहब सब में मिलता है, लेकिन मैंने इस्लाम ही को दीन तौहीद क्यों कहा है? दीन तौहीद, तौहीद का को मैं संस्कृत जबान में कह सकता हूं, तौहीद का तर्जमा मैं कर सकता हूं एकेश्वरवाद। और तौहीद की जो जिद है शिर्क, इसको मैं वेदांत के रूप से कह सकता हूं, इसका तर्जमा इसको हिंदू धर्म की किताबों से बहु ईश पूजा या बहु देववादी, बहुत सी देवी देवताओं की पूजा करना या बहुत से माबूद बना लेना। तौहीद, दीने तौहीद सिर्फ इस्लाम है, ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि दुनिया में जितनी भी किताबें हैं मजहबी धार्मिक पुस्तक, उसमें तौहीद तो है लेकिन तौहीद के साथ साथ शिर्क भी है। और कुरान एक ऐसी वाहिद किताब है कि जिसके अंदर सिर्फ तौहीद है, शिर्क नहीं। मैं बाइबल की एक इबारत पढ़ता हूं, जरा गौर कीजिए। देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड, बाइबल ओल नंबर 5। तौहीद देख रहे हैं, जबरदस्त तौहीद है। देयर इज नो गॉड, कोई अल्लाह नहीं है। देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है। बट गॉड इज ओनली वन, सिर्फ एक है। पहले मना किया गया कोई नहीं है, देयर इज नो गॉड, कोई नहीं है। और बाद में क्या कहा जा रहा, बट गॉड इज ओनली वन, सिर्फ एक है, विदाउट सेकंड, दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता है, दूसरा नहीं, दूसरे के बिना दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता, एक है, दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता। इस इबारत को पढ़ो तो बिल्कुल वही लगता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई है ही नहीं सिवाय अल्लाह के, लगता है दीन तौहीद है। लेकिन बाइबल वो नंबर 5 की दूसरी इबारत पढ़िए जो इसी के आगे लिखी हुई है। ईसा अलैहिस्सलाम जीसस अपने रब से कह रहे हैं, अपने अल्लाह से को बाप बना रहे हैं, जीसस ने बाप बनाया और क्या कहा अपने रब से, आई विल प्रे द फादर ही शेल गिव द अनदर कंपोर्टर, मैं अपने बाप से ये प्रार्थना करूंगा, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा कि वो तुम्हें एक दूसरा रसूल दे, एक दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, एक दूसरा प्रॉफिट दे। ईसा ने, जीसस ने बाप बाइबल के आधार पर जो मौजूदा बाइबल है, वरना ईसा अलैहि सलाम की दावत नहीं है, माफ करना, ईसा अलैहि सलाम की दावत नहीं है, लेकिन बाइबल में जो लिखा हुआ है। इसलिए ईसाइयत दीन तौहीद नहीं हो सकती है क्योंकि इसके अंदर तौहीद के साथ साथ शिर्क की भी आमेजिश है। जरा हिंदू धर्म को देखिए, मैं मंत्र पढ़ता हूं यजुर्वेद अध्याय नंबर 2 और उसका मंत्र नंबर 23। यजुर्वेद अध्याय 2 और मंत्र नंबर 23 गौर से देखना, कितनी जबरदस्त तौहीद है। यचित्तियो यो बिम्मिम्मह नस्तस्मा देवी शोरी ऋषः नये सुपथराय अस्मान। यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र नंबर 23। संस्कृत जिन लोगों ने पढ़ी होगी उनको अच्छी तरह मालूम होगा, याचना जीरन है संस्कृत के अंदर, याचना मस्दर है, जीरन है, जिसके माना होते हैं मांगना, भीख मांगना, लोगों के सामने हाथ फैलाना, और उसी से यचित की इंपरेटिव सेंटेंस आता है फेले अम्र, और यो इसमें इशारा वईद के लिए आता है, जैसे अरबी जबान में हुआ या जालिका वईद दूर के लिए आता है, ऐसे यो दूर के लिए आता है।
इसमें इशारा है दूर के लिए आता है। अब तर्जमा यह है यजपि इंपरेटिव सेंटेंस है, फेले अमर है, मांगो यो उससे, यो इसमें इशारा बईद के लिए। तर्जमा देखिए क्या, यजपि मांगो यो उससे, दूसरी बार की यो आ रहा है, यजपि यो मांगो उससे, यो वही है, पिम्मिम्मा जो तुम्हारी झोली भरता है, वही है जो तुम्हें सब कुछ देता है, वही है जो तुम्हारे दामनों को भरता है, वही है जो तुम्हें गैब से देता है, पिम्मिम्मा वही है जो तुम्हें समेट कर तुम्हारी झोलियों में डालता है। आगे का मंत्र देखिए, नस्तस्मा देवी शोरीरिशः, नस्तस्मा नहीं दे सकता है कोई देवी शो देवी देवता, रीरिशा कुछ भी तुम्हें, उसके अलावा तुम्हें कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, एक एक लफ्ज का माना बतला रहा हूं, कोई पंडित भी नहीं बतलाएगा, पोल खुल जाएगी, इतनी जबरदस्त तौहीद है, किस पर बात है। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, मांगो उससे, वही है जो तुम्हें सब कुछ देता है, नस्तस्मा देविशो नहीं दे सकता है कोई भी देविशो देवी देवता, रीरिशा तुम्हें कुछ भी, तुम्हें कुछ भी, उसके अलावा कोई देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। उसके बाद देखो, नए सुपथाराय आसमान, नए नालंद विशाल शब्द सागर डिक्शनरी में, जो संस्कृत इंटू हिंदी है और गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, इस डिक्शनरी में नए का तर्जमा जो लिखा वो क्या है, नाव को पार लगाने वाले, कश्ती को पार लगाने वाले, और हमारे यहां कश्ती को पार लगाने का महावरा बोला जाता है मुसीबत को दूर करने वाला, क्योंकि जब नाव कश्ती जब समंदर में फंस जाती है और उस भंवर से निकल जाती है तो कहते हैं बहुत बड़ी मुसीबत से निकल गए, तो ये लफ्ज इस्तेमाल होता है कि कश्ती यानी को हमारी नाव तो पार हो गई है, हमारी कश्ती तो पार हो गई है, यानी किसी बड़ी मुसीबत से छुटकारा। तो नए सब्जेक्ट क्या करता है, हाय मुसीबतों को दूर करने वाले, नए हाय कश्ती को पार लगाने वाले, हाय मुसीबतों को दूर करने वाले, सुपथा राय, सुमानी सुंदर, पथ मानी रास्ता, राय मानी चलाना, आसमान मानी फायदे के लिए, हाय नाव को पार लगाने वाले, हाय कश्ती को पार लगाने वाले, हाय मुसीबतों को दूर करने वाले हमारे प्रभु, हाय हमारे ईश्वर, सुपथा राय हमको सुंदर पद्मानी रास्ता, हमको सुंदर रास्ते पर चला, आसमान जिससे हमारा लाभ हो, जिससे हमारा फायदा हो, यानी हाय प्रभु हमको सीधे रास्ते पर, हमको हमारे फायदे के लिए चला। ये दोनों चीजें कुरान में तलाश करो, कहां मिलेंगी, उसी से मांगो, वही सब कुछ देता है, उसके अलावा तुम्हें कोई भी देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। कुरान इसको कितनी जगहों पर और किस किस अंदाज से कैसे कैसे आहा लोगों को यकीन दिलाता है और समझा रहा है कि मेरे बंदो तुम क्यों यकीन नहीं करते, इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यखलुकू ज़ुबाब वलव इज्तमऊल व इन यस्लुबहुम ज़ुबाब शैअन ला यस्तनक़िज़ुहु मिन्हु ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब। कुरान की आयतों का तर्जमा किसी से पूछ लो, इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो अपनी हाजत रवाइयों मुश्किल कुशाई के लिए, तुम जिनके आस्थानों पे जाते हो, ज़ुबाबन ये एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, ज़ुबाबन नकरा इस्तेमाल हुआ, ज़ुबाबन एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। और एक मक्खी को पैदा करने के लिए कितनी कितने लोग लग जाए, वाला विज तमाऊ लहू, लहू में हूं जमीर क्या मर जाओ, वही जुबाब है, अगर उस एक मक्खी को पैदा करने के लिए तुम्हारी सारी की सारी जुर्रियत लग जाए, तुम सबको जमा कर लो, इकट्ठा कर लो। और बकौल अल्लाह महसान इलाही जहीर जिन्होंने ये तर्जमा किया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बरेली से बरसात तक कि तुम्हारे सारे बाबा मिल जाएं, तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। इस तमाऊ सबके सब जमा हो जाओ तब भी एक मक्खी, एक मक्खी
आगे चलो, हम क्या करें, कुरान कह रहा है यचित्ती यो पिम मिम्मा, उसी से मांगो वही सब कुछ दे सकता है, उसके अलावा कोई नहीं देता। कुरान क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है, तुम जिनको पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, और पैदा करना तो बहुत दूर की बात। मक्खी थोड़ी सी कोई चीज लेके उड़ जाए, तुम जो खा रहे हो बैठ जाए, थोड़ा सा लेके चली जाए, कितनी लेके जाएगी मक्खी, मक्खी कितना ले जाएगी। अल्लाह कहता है ये लोग जिसको तुम पुकार रहे हो, जिनको, ये उस मक्खी को पकड़कर वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते जो लेकर उड़ गई। जो मक्खी को पकड़ने की ताकत ना रखे वो तुम्हें बेटा बेटी देंगे, वो बारिश बरसाएंगे। अल्लाह समझा रहा है, ओ मेरे बंदो तुम यकीन क्यों नहीं करते, वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनही मा यमलिकून मिन क़तमीर इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम। कुरान पढ़ते जाओ, कुरान की आयतें तो समझो मुसलमानों, कब तक किससे कहानियों को सुनते रहोगे, पढ़ो सुनो समझो। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनही, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, मायम लिकून मिन कितमीर, ये खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। तम लिकून का यम लिकून मिल्कियत, मालिक नहीं है। खजूर की गुठली तो बहुत बहुत बड़ी चीज हो गई, खजूर तो खा लिया आपने, गुठली, अरे गुठली भी बहुत बड़ी चीज है। गुठली के ऊपर जो हल्का सा परत होता है, जो छिलका, ये उस छिलके के भी मालिक नहीं है। ये खजूर की गुठली के ऊपर जो परत, जो छिलका होता है, ये उसके भी मालिक नहीं है। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम, अगर तुम इनको पुकारो तो ये तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकते। इससे ज्यादा वाज़ह अल्फाज़ में और क्या तर्जमा किया जाएगा, इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम, अगर तुम इनको पुकारो तो ये सुन नहीं सकते। वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम, और बिलफर्ज़े महाल अगर सुन भी ले तो जवाब नहीं दे सकते। कभी सलाम करके देखो, अस्सलामु अलैकुम, जवाब मिलेगा? कभी बात करके देखो, मस्तजाबू लकुम, तो ये जवाब नहीं दे सकते। और अल्लाह आगे क्या कहता है, वयकफुरून यौमल कयामत यकफुरून बिशिर्किकुम, और कयामत के दिन ये इनकार कर देंगे, भाई अल्लाह मैंने कब कहा था कि मेरे पास आना, मैंने कब कहा था कि मेरे आस्थाने पे आना, ये तो खुद ही आते थे, ये तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे, हमने कब कहा था कि तुम्हारे पास आना। हिंदू धर्म के इस मंत्र को देखा आपने, इस मंत्र और कुरान के मंत्र को देखा आपने, चलो आयत नहीं मैं मंत्र कहता हूं, कुरान के इस मंत्र को देखा आपने, लेकिन इसके बावजूद हिंदू धर्म दीने तौहीद नहीं है, किशोरवादी धर्म इसलिए नहीं है क्योंकि इसके आगे ही लिखा हुआ है 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करना जरूरी है, और हर एक देवी को या देवता को एक दिन में प्रसन्न करो, और 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करना आवश्यक है, अनिवार्य है। यदि एक भी अप्रसन्न ना खुश रहा तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। अब 33 करोड़ में से हर एक को एक दिन में खुश करो, और एक दिन में दो खुश नहीं हो सकते, एक दिन में एक ही खुश होगा, यह भी मनुस्मृति में लिख दिया गया कि एक दिन में एक ही खुश होगा, दूसरा नहीं। अब 33 करोड़ दिन चाहिए इंसान को 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए, और अल्लाह ने क्या कहा, तो किसी को खुश ना करो, सिर्फ अल्लाह को खुश करो, उसको खुश करो। और तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था, सारी औलादे आदम एक तरफ, सब एक तरफ। जरा तसव्वुर कीजिए इस तौहीद को जो इमाम अहमद अपनी मुसनद के अंदर लाए हैं। दो शख्स गुजर रहे थे एक बुत के पास से गुजरे, बुत के पास से, वसनुन का लफ्ज मौजूद है मुसनद अहमद में, बुत के पास से गुजरे, वहां एक मोटी तौंद वाला बैठा था, कहने लगा है कुछ चढ़ाओ इस बुत पर। उन्होंने कहा था मैं तो कोई चीज नहीं चढ़ाऊंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं चढ़ाने के लिए। कहा नहीं कुछ तो चढ़ाओ, कर रिब वलो जुबा बन, चाहे एक मक्खी मार के चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ, जब तक चढ़ाओगे नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, रास्ता ही नहीं छोड़ूंगा। मुस्तद अहमद के अल्फाज हैं, इमाम अहमद ने अपनी मुस्तद में नकल किया है। उनमें से एक आदमी कम ईमान वाला था, उसने क्या किया, एक मक्खी मारी और मारने के बाद चढ़ा दी। एक मक्खी, यहां तो 18-18 मीटर की चादरें चल जाती हैं, एक मक्खी मारी और चढ़ा दिया उसने बुत पर। फखल्लू सभी लहू, उन लोगों ने उसके रास्ते को
खोल दिया, छोड़ दिया रास्ता, जाओ। वो गया, मरा, दखल नार, अल्लाह ने उसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया। एक मक्खी चढ़ाई तो जहन्नम में दाखिल हो, आगे कुछ नहीं कहेंगे। एक मक्खी चढ़ाई तो जहन्नम में, दूसरे ने कहा नहीं मैं तो मक्खी भी नहीं चढ़ा सकता, कहा चढ़ाओ नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। उसने कहा मैं गैरुल्लाह के लिए कोई चीज नहीं चढ़ा सकता, सिर्फ अल्लाह के लिए, गैरुल्लाह के लिए कुछ भी नहीं, और ये अल्लाह नहीं है, गैरुल्लाह है, नहीं चढ़ाऊंगा। फकतलूहू, मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, उन लोगों ने मिलकर उसको मार डाला, कत्ल कर दिया। और जब कत्ल किया दखल जन्ना, अल्लाह ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। मक्खी भी मार के नहीं चढ़ाई, और जब मरा तो वो जन्नत के अंदर दाखिल हो गया, और जिसने मक्खी मार के चढ़ाई वो मरा तो जहन्नम में। एक मक्खी को मार के चढ़ाया गैरुल्लाह पर तो जहन्नम में, या तो 18-18 मीटर की चादरें चढ़ जाती हैं, अम्मा के पास पहनने को साड़ी नहीं है लेकिन फलाजे की चादर चाहिए। तस्वुर करेंगे आप दोनों, मिलाइया आगे चलिए। बस मैं बता दूं कि इस्लाम दीन तौहीद है, क्योंकि इसने तौहीद का इस हद तक, आप गौर करें कुरान की आयत पर कभी गौर किया, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मत दुआई, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी आवाज मुर्दों को नहीं सुना सकते। इन्नका में ला काफ से खिताब मोहम्मद रसूलुल्लाह से, सूरह नमल है, आयत नंबर 80 है, उठाकर देख लो। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आए नबी आप मुर्दों को अपनी आवाज नहीं सुना सकते, वला तुस्मिउल सुम्मत दुआ, और आप बहरों को भी नहीं सुना सकते जब वो पीठ फेर के जा रहे हो। कभी गौर किया आपने, जब अल्लाह ने ये कहा था कि मुर्दों को नहीं सुना सकते हो तो बहरे का लफ्ज उसने फिर आगे क्यों इस्तेमाल किया? मैंने बहुत गौर किया, मैं इस नतीजे पे पहुंचा, अल्लाह ने जब ये कहा कि ऐ नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते तो एक बात समझ में आती है कि मुर्दे से रूह निकाल ली गई, हाथ की ताकत, पैर की ताकत, दिल की ताकत, आंख की ताकत, दिमाग की ताकत, कान की ताकत, सारी ताकतें छीन ली गई, वो मुर्दा पड़ा है, आप उनको सुनाना चाहें तो नहीं सुना सकते। लेकिन इसके बाद अल्लाह ने ये क्यों कहा कि आप बहरे को भी अपनी आवाज नहीं सुना सकते? ये बताना मकसद है कि आए नबी जिससे मैंने सिर्फ एक ताकत छीनी है कान की, मैंने सिर्फ सिमात छीनी है कान की, उसके पास आंख की ताकत बाकी है, उसके पास हाथ से पकड़ने की ताकत बाकी है, उसके पास पैरों से चलने की ताकत बाकी है, उसके पास जहन से सोचने की ताकत बाकी है, उसके पास मारने पीटने की ताकत बाकी है, इंतकाम लेने की ताकत, बदला लेने की ताकत बाकी है। अरे नबी जिसके पास सारी ताकतें हैं, सिर्फ हमने कान की ताकत छीनी है, सुनने की ताकत छीनी है, और जिससे हमने एक ताकत छीनी है सिर्फ उसको बहरा किया है। आंख मौजूद है, पैर मौजूद है, हाथ मौजूद है, दिल मौजूद है, जहन मौजूद है, सिर्फ कान की ताकत, सुनने की ताकत छीनी है, बहरा कर दिया है। आए नबी जिससे हमने एक ताकत छीनी है सिर्फ कान की, आप उसको नहीं सुना सकते, तो जिससे तो मैंने सारी ताकतें ही छीन ली है, जिसको हमने मौत के घाट ही उतार दिया, उसको आप क्या सुना सकेंगे? इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आती है। अल्लाह ने ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट इस्तेमाल किया है, बताया कि लोगों गौर करो कि जिससे एक ताकत छीनी है जब आप उसको नहीं सुना सकते, और जिसके पास सारी ताकतें मौजूद है, सारी ताकतें जिससे छीन ली उसको क्या सुनाएंगी, उसको क्या सुनाएंगे? लेकिन यहाँ अकीदा ही हो गया है कि वो मरे ही नहीं है, तो फिर जब इंसान के अकीदे इस तरीके के हो जाएं, तो फिर मेरे भाइयों, फिर कहते नहीं एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं, 99 झूठ और बोलना पड़ते हैं। अब मरे नहीं है तो जिंदा है, अगर जिंदा है तो तुम्हारा मौलवी नमाज क्यों पढ़ाता है, फिर मस्जिद में क्यों जाता है, फिर तुम सलातुस्सलाम खड़े होकर पढ़ते हो, तुम्हारे नबी जब आ ही जाते हैं और हर जगह मौजूद है तो तुम अपने इमाम को नमाज के लिए आगे क्यों बढ़ाते हो, फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से क्यों नहीं कहा जाता? आइए आप मस्जिद में तशरीफ ला चुके हैं, आप तो इंतकाल नहीं किए हैं, आप तो हाजिर नाजिर हैं, हर जगह मौजूद हैं, हम आपको अपने पीछे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, आपके पीछे हम नमाज पढ़ेंगे, आप हमारे पीछे नमाज पढ़ें, ये तो तौहीन है, बल्कि आप तो सारी कायनात के इमाम है, इमामुल अंबिया है, अल्लाह ने इसी दुनिया में सारे नबियों का इमाम आपको बना दिया, बैतुल मुकद्दस में सारे नबियों की इमाम आपको इमामत अता फरमा दी, जो सारे नबियों का इमाम है वो हमारा इमाम क्यों ना हो मेरे भाइयों? फिर उसको, फिर ये लोग उनको खा क्यों नहीं करते और आगे क्यों नहीं बढ़ाते जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? तो कहते हैं झूठ को छिपाने के लिए 50 झूठ बोलना पड़ते हैं, इसलिए इस्लाम ही सिर्फ दीन है
तौहीद है। कुरान ये वाहिद वो किताब है जो शिर्क की दावत नहीं देती है, शिर्क की दावत नहीं देती है, बल्कि खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शिर्क के दरवाजे को बंद किया है। तो ये कहकर बंद किया है लानतुल्लाहि अल यहूदी वन नसारा इत्तखजू कुबूर अंबियाहिम अल मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर नसारा पर जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। फिर आपने ये भी दुआ फरमाई कहीं इंतकाल के बाद लोग मेरी कब्र को बुत ना बना लें, मेरी कब्र को चूमने चढ़ने की जगह ना बना लें, मेरी कब्र को चादर चढ़ाने की जगह ना बना लें, मेरी कब्र को लोग आस्ताना ना बना लें, पूजा पाठ की जगह ना बना लें। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ये दुआ भी कर रहे हैं, और दुआ भी किससे कर रहे हैं? तौहीद ही को, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह को पुकार रहे हैं और उसी से फरियाद कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वस्नई उबद इलाहा आलमीन, मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र को चूमने चाटने की और पूजने पाजने की जगह ना बना देना, मेले ठेले की जगह ना बना देना, ईद ना बना देना, कहीं ऐसा ना हो कि चादर चढ़ने की जगह बन जाए, मेरे आस्थाने को चूमने चाटने का आस्थाना ना बनाना। जाओ और जिन लोगों ने देखा होगा अपनी निगाहों से सऊदी अरब का नजारा, और जिन्होंने उमरा हज किया होगा उनकी नजरें रौजतुन मिन रियाजुल जन्नत से, रियाजुल जन्नत से लगी हुई मस्जिद नबवी के बगल में, रौजतुन मिन रियाजुल जन्नत के बगल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र पे भी पड़ी होगी। वहां मुतवा खड़ा होता है, समझाता रहता है, आज तक किसी शख्स को जुरत नहीं हो सकी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र पे कोई चादर चढ़ा सके या मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र पे कोई सर भी झुका सके, क्योंकि पीछे से डंडा पड़ता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ आज भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां मकबूल है, और इंशाअल्लाह 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 कयामत की सुबह तक अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र को चूमने और चाटने की जगह नहीं बनने देगा इंशाअल्लाह। यह है तौहीद, इस्लाम दीन तौहीद। हमने वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ी है और उसका एक एक लाइन हमने बड़े गौर से पढ़ा है। वाल्मीकि जी की रामायण में ये मंत्र लिखा हुआ है, राम रामा हे नमः, राम रामाय सत्यमस्ति। जब सीता जी आई थी तो रामचंद्र जी ने कहा था, सीता मेरे पैर मत छू, मेरे सामने मत झुको, मैं तो तुम्हारा राम हूँ। राम रामाय नमः की तृतीय विभक्ति यूज हुई है, राम रामाय नमः, दो मर्तबा राम आ रहा है, यानी मैं तो तेरा राम हूँ और तेरे राम का राम है ऊपर वाला, और नमः मानी नमस्कार, झुकना सर झुकाना, तुम अपने राम के सामने न झुको बल्कि उस राम के सामने झुको जो तुम्हारे राम का राम है, ये प्रणाम उसके सामने करो, यानी झुकना सिर्फ एक अल्लाह के सामने जायज है। इस्लाम ही दीन तौहीद है, ये पहली खसूसियत थी इस्लाम की। मैं तौहीद को समझाने में ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मुझे आपके यहाँ के हालात मालूम है। आगे चलिए, इस्लाम ही दीन तौहीद है, इस्लाम ही दीन रिसालत है। रिसालत का सही तसव्वुर भी इस्लाम ने दिया है, वरना रसूल हर मजहब में हर धर्म कहता अवतार ऋषि मुनि पैगंबर सब मानते हैं, लेकिन लोगों ने अपने अपने अवतारों के साथ या ऋषियों के साथ क्या सलूक किया है और इस्लाम ने क्या मिजाज पेश किया है, जरा उसको देखिए। गौतम बुद्ध के मानने वालों ने गौतम बुद्ध को क्या मान लिया, दुनिया से एकदम कट गए, बिल्कुल अलग हो गए, और उन्होंने जंगलों की राह अख्तियार कर ली, बीवी बच्चों से कटकर दुनिया के तमाम ऐशो आराम को पसे पुष्ट डालकर अपने ऊपर हराम करके रहबानियत अख्तियार कर ली और जंगल में चले गए। हिंदू धर्म के अंदर ऋषि का जो माना होता है, अवतार का जो माना होता है, वो नालंद विशाल शब्द सागर डिक्शनरी के मुताबिक ये होता है, अवतार किसको कहते हैं, ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणत होना। ये वो मीनिंग है जो उसमें लिखी हुई थी, मैंने आपके सामने बता दी है, जरा गौर से सुनना, बहुत ठेठ हिंदी है, मैं अभी इसका तर्जमा बताता हूं आपको। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणत होना, यानी ईश्वर ही मनुष्य की शक्ल में दुनिया में आता है और अवतार ग्रहण करता है, यानी अल्लाह ही इंसान की शक्ल में इंसान का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है, यानी वो ऊपर तो ईश्वर होता है और जमीन पर वही ईश्वर एक इंसान की शक्ल में लोगों को समझाने के लिए आता है। ये अवतार का माना हमारे हिंदू भाइयों में लिया जाता है, ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार ले, और इसी की हल्की सी बू हमारे कुछ मुसलमान भाइयों में भी चली आई और उनका अकीदा भी इसी किस्म का हो गया, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर मदीना में उतर पड़ा मुस्तफा होकर, यानी अर्श पे जो अल्लाह था
वही मदीना में मुस्तफा बन के चला आया। यानी बल्कि एक ने तो यहां तक किताब लिख दी है कि अल्लाह अहद है और मोहम्मद अहमद है। जरा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह अहद है और मोहम्मद अहमद है। अहद में और अहमद में सिर्फ मीम का फर्क है। अहमद ने मीम की चादर ओढ़ ली है। अगर अहमद से मीम की चादर को हटा दिया जाए तो अहमद और अहद में कोई फर्क नहीं है। यानी मीम हटा दो तो मोहम्मद अहमद ही अहद है, वही अल्लाह है। यहां तक लिख डाला है लोगों ने कि वो मीम की चादर ओढ़े हुए है। मीम हटा दो तो अल्लाह में और मोहम्मद में कोई फर्क नहीं है। यानी जो अर्श पे अल्लाह था वही फर्श पे मुस्तफा बन गया, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकरार है। लेकिन इस्लाम ईसाइयों को देख लो, उन्होंने क्या अकीदा रखा है। उन्होंने कहा कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे थे और गुनाह का दरवाजा खोलने के लिए अकीदा यह गढ़ा गया कि ईसा अलैहि सलाम ने सूली पर लटककर, फांसी के फंदे पर लटककर, सूली पे चढ़कर सारे लोगों के गुनाह को माफ कर दिया है। उन्होंने सबका कफारा अदा कर दिया है। अब किसी को कोई गुनाह नहीं पड़ेगा, किसी को कोई गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सारे अल्लाह के बंदों के गुनाह पाप ताप का कफारा खुद सूली पे लटककर, फांसी के फंदे पे लटककर उन्होंने कफारा अदा कर दिया है। यही वजह है कि जहां ईसाई मिलेगा वहां गुनाह मिलेगा। जहां ईसाइयत होगी वहां जिनाकारी होगी। जहां ईसाइयत होगी वहां शादियों से पहले लड़कियां मां बन रही होंगी। अमेरिका और ब्रिटेन के हालात तुम्हारे सामने मौजूद है। क्यों? क्योंकि अकीदा उनका है कि ईसा अलैहि सलाम ने सूली पर लटककर सारे लोगों के गुनाह माफ कर दिए। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अकीदे के कितने खिलाफ हैं। या फातिमा बिन्त मोहम्मद अनकिजी नफ्सक मिनन नार, ओ मेरी बेटी फातिमा तू अमल कर और अपने आप को जहन्नम से बचा ले। सलीमी मिम्मा ली माशे, मेरे माल में से दुनिया में जो चाहे तो मुझसे मांग ले। इन्नी ला उग्नी अन्के मिन अल्लाह शैया, लेकिन मैं कयामत के दिन तेरे कोई काम ना सकूंगा, तुझे अल्लाह के अज़ाब से ना बचा सकूंगा। आप अपनी बेटी को कह रहे हैं कि इस दुनिया में पुण्य के काम कर ले, अच्छे कर्म कर ले, ये ना समझना कि तेरा बाप अवतार है, तेरा बाप ऋषि है, तेरा बाप पैगंबर है। तुझे परले के दिन, प्रकोप के दिन, कयामत के दिन, लास्ट डे ऑफ जजमेंट, फैसले के दिन, यौमुद्दीन, कयामत के दिन वो तुझे अल्लाह के अज़ाब से बचा लेगा। ये तसव्वुर, ये विचार था अपनी मत बनाना। आए मेरी बेटी, अल्लाह की पकड़ से मैं तुझे नहीं बचा सकता, अल्लाह की पकड़ से मैं तुझे नजात नहीं दिला सकता। एक तरफ इस तौहीद को देखिए, और ये नहीं कहा कि मोहम्मद अल्लाह के बेटे थे, नऊज़ बिल्लाह। ये भी नहीं कहा कि मैं ही मोहम्मद की शक्ल में गया हूं, ये भी नहीं कहा। रिसालत का सही तसव्वुर पेश किया है कुरान ने। मोहम्मद रसूलुल्लाह को एक आम इंसान ही कहा है। और क्या कहा? कहा ही नहीं है, कहलाया भी है नबी की ज़बान से। आए नबी कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी ही तरह का एक बशर हूं, जैसे तुम एक इंसान हो मैं भी एक इंसान हूं। फर्क इतना है कि मेरे पास परशुराम आते हैं, मेरे पास जिब्राइल अलैहि सलाम आते हैं, ईश्वरीय संदेश लेकर आते हैं, अल्लाह का पैगाम लेके आते हैं, तुम्हारे पास नहीं आते। ईश्वरीय संदेश की वजह से हम तुमसे ऊंचे हो गए हैं, हमारा दर्जा तुमसे बुलंद हो गया है, इसलिए कि परशुराम हमारे ऊपर अवतरित होते हैं। हमारे पास जिब्राइल अलैहि सलाम ईश्वरीय आदेश कुरान की पंक्तियां लेकर अवतरित होते हैं, नाजिल होते हैं, इसलिए हमारा दर्जा ऊंचा। वरना तुम खाते हो तो हम भी खाते हैं, तुम पीते हो तो हम भी पीते हैं, तुम सोते हो हम भी सोते हैं, तुम्हें बीवी बच्चों की जरूरत पड़ती है तो हमें भी पड़ती है, तुम्हें उनके लिए मेहनत करना पड़ती है तो हमें भी मजदूरी और मेहनत करना पड़ती है। ये सारे काम जो तुम करते हो हम भी करते हैं। तुम्हें बुखार आता है और सर में दर्द होता है तो मुझे भी बुखार आता है और सर में दर्द होता है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। देखिए कुरान क्या कह रहा है, कुरान उस अकीदे को बदल रहा है। देखो, ऐसा ना हो कि रसूल का या पैगंबर का दर्जा इतना ऊंचा कर देना, ऐसा ना हो कि तुम उनको अल्लाह की कुर्सी पर बिठा दो और अल्लाह में मोहम्मद में कोई फर्क नहीं करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ मेरे संदेश को पहुंचाने के लिए गए हैं, उनकी पूजा मत करो, उनकी इबादत नहीं की जाएगी। इबादत तो सिर्फ ऊपर वाले की, अल्लाह की जाएगी। वो तो हमारे दूत थे, पैगंबर थे, हमने उनको भेजा था एलसी बनाकर, कासिद बनाकर, दूत बनाकर। आज भी दूत का ये लफ्ज हमारे हिंदी भाषा में इस्तेमाल होता है, और सफीर जो विदेश में जाता है उसको दूत कहते हैं, क्योंकि वो अपने मुल्क का पैगाम उस मुल्क तक पहुंचाता है, उसको दूत कहते हैं। और उसी दूत से मोहम्मद रसूलुल्लाह के लफ्ज के लिए भी दूत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। आप अल्लाह का पैगाम
हम तक लाए हैं, अल्लाह का पैगाम हम तक लाए हैं, इसलिए आप दूत हैं, लेकिन आप खुदा नहीं है, रब नहीं है कि इनकी इबादत की जाए या इनके कब्र पे जाकर ये कहा जाए कि आया हूं तेरे दर पे तो झोला झोली भर के जाऊंगा वरना मर के जाऊंगा। मेरे भाइयों, ये एकेश्वरवाद जितना कुरान ने सिखलाया है वो किसी मजहब में नहीं, और जो इस्लाम ने जो बताया है कि दीन रिसालत, देखिए रिसालत का सही तसव्वुर। अच्छा, हम में और काफिरों में, हम में और अरब के काफिरों में फर्क क्या था? जब अल्लाह के नबी ने कहा मुझे अल्लाह ने रसूल बनाया तो अरब के काफिर क्या कहते थे? कुरान पढ़ो। अरब के काफिर क्या कहते थे? अरब के काफिर कहते माली हाजर रसूल। अरब के काफिर क्या कहते थे? माली हाजर रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाह, ये रसूल है। देखिए, अरब के काफिर क्या कहते थे? माल हाजर रसूल, इसको क्या हो गया, ये अपने आप को रसूल कहता है, या अकुलु ताम, ये तो खाना खाता है हमारी तरह, व यमशी फिल अस्वाक, और ये तो बाजारों में चलता है। यानी खाना खाने वाला और बाजारों में चलने वाला क्या रसूल हो सकता है? ये तो हमारी तरह उठता बैठता, ये तो हमारी तरह चलता फिरता, ये तो हमारी तरह खाता पीता है, फिर भी अपने आप को रसूल कह रहा। अरे अल्लाह को रसूल बनाना था तो किसी फरिश्ते को रसूल बनाता, हमारी तरह एक इंसान को रसूल बना दिया। अरब के काफिर रसूल इंसान मानते थे, रसूल नहीं मानते। आज हम रसूल मानते हैं लेकिन इंसान नहीं मानते, फर्क देख रहे हैं? वो इंसान मानते थे, रसूल नहीं। हम रसूल मानते हैं लेकिन इंसान नहीं। इसलिए अल्लाह के नबी ने अकीदा ये सिखलाया, जब मेरे ऊपर जब कलमा पढ़ो तो उस कलमे के अंदर मेरे साथ दोनों चीजें पेश करो, मुझे इंसान भी मानो और मुझे रसूल भी मानो। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अब्दुहु व रसूलुहु। पहले अल्लाह का बंदा मानो, बाद में अल्लाह का रसूल, तरतीब देखिए, क्योंकि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला पहले हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह बाद में हूँ। पहले मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ और 40 साल के बाद में अल्लाह का रसूल बना हूँ। इसलिए अकीदे में दोनों चीजें शामिल कर दी। अरब के काफिर इंसान मानते थे, रसूल नहीं। हम रसूल मानते हैं, इंसान नहीं। इसलिए अगर पक्का सच्चा मोमिन बनना है तो इंसान भी मानो रसूल भी मानो। इसलिए अकीदा ये बता दिया, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और फिर वेद के मंत्र को देखिए, उसमें भी इंसान कहा गया। वेद अहमद पुरुष महान इमादित्वरुण तपस प्रस्ताद यन्नी, कितना प्यारा मंत्र है, पुरुष कहा गया। वेद अहमद, अहमद नाम का आदमी जन्म लेगा, और जन्म लेने वाला तो वैसे ही इंसान हुआ। अहमद नाम का आदमी जन्म लेगा, पुरुषम इंसान होगा, पुरुष होगा, महान इबादत, लेकिन इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेगा, तपस्या करेगा। प्रस्ताद, प्रस्ताद का सही माना हुआ, प्रस्ताद का सही मतलब होता है नक्शे कदम पे चलना, इत्तिबा करना, जहां वो वहां हम। प्रस्ताद का माना होता है कुटिया में चले जाना, यानी जहां वो जाए वहां तुम चलना, यानी उसी के नक्शे कदम पे चलना। पैराडाइज में जाने का, स्वर्ग में जाने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पुरुष इंसान कहा गया तो दूसरा माना भी साफ हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, बशर थे, और इस्लाम दीन रिसालत है। ये दो चीज। तीसरी चीज, इस्लाम ही दीन मसावात है। ये नारे आज हमारे यहां लग रहे हैं, क्या नारे लग रहे हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। ये नारे राजनीतिक हलकों में लगते हैं, वरना आज भी जो सियासी गेम खेला जाता है चुनाव के मौकों पर, वहां वही आंकड़े बिठाए जाते हैं कि वहां से किस कैंडिडेट को खड़ा किया जाए, वहां दलित कितने हैं, वहां मुसलमान कितने हैं, वहां कितने हैं। आज भी जो राजनीति का जो एक खतरनाक और गंदा गेम खेला जाता है वो इसी आंकड़ों के आधार पर खेला जाता है। मेरे भाइयों, ये बात छुपी हुई नहीं है, ये अलग बात है कि मैंने अपनी जबान से कह दिया है। कहना जुर्म है, दिल से मानना जुर्म नहीं है। दिल से आप माने तो जुर्म नहीं है, हमने कह दिया तो जुर्म है। ये राजनीति का गेम खेला जाता है, जो गंदा कार्ड वही खेला जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गंदे कार्ड को खत्म किया, ये कहकर कि ला फजल या रबी नाला अजमी। आज यहाँ जो लोग जमाए वो कान के पर्दे खोल के सुन ले, अरब के रहने वाले को किसी आजम के रहने वाले
पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, और किसी आजम के रहने वाले को, किसी अरब के रहने वाले पर कोई फौकियत हासिल नहीं, न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर। अमेरिका की सियासी हलकों में चले जाओ, ओबामा पहली मरतबा एक सियाफाम आदमी, एक काले कलूटे नस्ल का आदमी को सदर बनाया गया है, अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया गया है, उस पर कितने हंगामे हुए हैं। ये गेम आज के 14वीं सदी के अंदर मेरे भाइयों खेला जा रहा है। आज ये किसी तरीके पर आज ये समझ आज इनके समझ में आया, ये गेम तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले खेल कर खत्म कर दिया था। और ये कहा था कि हुकूमत और सल्तनत राजनीति अगर चलाना है तो वहां पर जात और बिरादरियों का, गोरे और काले का ये गेम नहीं खेला जाएगा। ये कह कर आपने सबके रोंगटे खड़े कर दिए पूरे भरे मजमे में। अरे बिलाल, तुम ऐसा कौन सा नहीं काम करते हो कि जब मुझे जन्नत की सैर कराई गई तो मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी, यानी अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया, गोया कि ये पेशीन कोई मेरे सामने पेश कर दी। अरे बिलाल, तुम ऐसा कौन सा नेक काम करते हो कि मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। हजरत बिलाल खड़े होते हैं, अरे अल्लाह के नबी, कुछ भी तो नहीं, जितने आम साहब अमल करते उतना मेरा भी अमल है। फिर कहने लगे, हाँ इतना जरूर है जहां तक मैं समझता हूँ, अरे अल्लाह के नबी, मैं बावजू रहता हूँ, मैं कभी बगैर वजू के नहीं रहता हूँ, और जब भी मेरा वजू टूटता है, मेरा वजू टूटता है, मैं फौरन वजू बना लेता हूँ, और जब भी मैं वजू बनाता हूँ तो दो रकात तहियतुल वजू मैं जरूर पढ़ लेता हूँ। इतना सा अमल अगर हो तो हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बस अरे बिलाल, यही वो अमल है जिसने तुझे मुमताज किया है। वो एक हबशी नस्ल, वो बिलाल हबशी, जिसके बारे में सीरत की किताबें ये कहती हैं कि कोयले का रंग कितना काला होता है, उससे भी कहीं ज्यादा हजरत बिलाल का रंग था। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी कहते हो, बिलाल ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो कि मैंने तुम्हारे जन्नत के अंदर मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी।